नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्रसंघ पे। बात करेंगे पंचायतराज LDC भर्ती 2013 की। पंचायतराज LDC भर्ती 2013 में जिला परिषद बूंदी ने जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 गुना जो वेटिंग लिस्ट है, वर्गवार रोस्टर एवं वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो है शासन सचिव महोदय ग्रामीण विकास पंचायतीराज को भिजवाई गई है, ताकि जो पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट है उस पर अपलोड की जा सके। आप देख सकते हैं, जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की विज्ञप्ति संख्या 818 दिनांक 14 फरवरी 2013 द्वारा 386 पदों के लिए जारी की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 17/700/2018 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4 मई 2022, 26 मई 2022 की अनुपालना में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पद भरने हेतु कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उक्त पदों को भरे जाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा नियमों में प्रदत्त शिथिलता एवं तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त पदों की श्रेणीवार संख्या की सूचना जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है उनके श्रेणीवार वरीयता सूची निर्धारित कैलेंडर विभागीय जो साइट है rajpanchayatiraj.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट के क्रम में उक्त भर्ती के आवेदकों द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक जो अवधि में दावे और आपत्तियां जिला परिषद की मेल आईडी पर या व्यक्तिगत रूप से जिला परिषद में अधोस्ताक्षर कार्यालय जो अधोस्ताक्षर करता है उनके कार्यालय में आप उपस्थित होकर जो है आप अपनी दावे और आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी प्रकार के दावा और आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अंतिम वरीयता सूची 1 सितंबर 2023 में वर्णित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी दिनांक 5 सितंबर 2023 को एवं उक्त अवधि में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी 8 सितंबर 2023 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु 10 बजे से 5 बजे तक जिला परिषद बूंदी में उपस्थित होना है। यानी कि 5 सितंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो अभ्यर्थी 5 सितंबर को अनुपस्थित रहते हैं वे 8 सितंबर को अपने दस्तावेजों की सत्यापन और पात्रता की जांच के लिए 10 बजे से 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। वो दस्तावेज सत्यापन के समय आपको विस्तृत आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज, सेल्फ अटेस्टेड प्रति, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। साथ ही उक्त निर्धारित अवधि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, करतार सिंह जी जो CEO है बूंदी के, इनके द्वारा हस्ताक्षर से लेटर जो लिस्ट है वो जारी की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जिला परिषद बूंदी ने सबसे पहले जनरल महिला की जो कट ऑफ है वो निकाली है, सबसे पहले 60.844 और लास्ट की जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं यहाँ पर 69.017। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष 64.895, लास्ट की 64.566। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 58.434 और जो लास्ट की है आप देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में करीब 40 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो निकाली गई है 57.461। इसी प्रकार से जनरल अनुसूचित जाति महिला की 54.6 और लास्ट 53.956, अनुसूचित जाति पुरुष 69.522 और लास्ट 57.356। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति महिला 54.383 और यहाँ पर जो लास्ट है वो 52.983 जो परसेंटेज है वो रखी गई है। मैं बता दूं, पंचायतीराज LDC भर्ती 2013 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो आउट कर दी गई है। 10 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं, 12वीं के परसेंटेज प्लस बोनस के आधार पर ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर निकाली गई है। आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कितना का साल का है, सब पूरा जो बायोडाटा वो यहाँ पर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं, पुरुषों की यहाँ पर सभी जो बोनस अंक वाले हैं सभी को लगभग 30 बोनस अंक है, एक कैंडिडेट्स को 20 बोनस अंक यहाँ पर दे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट है वो आउट कर दी है और आप 5 सितंबर को
आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, और जो 5 सितंबर को अनुपस्थित रहेंगे उनको 8 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अनिवार्य रहेंगे। इसके बाद में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।